खबर पिनान से। पिनान में दिल्ली बड़ोदरा सुपर एक्सप्रेसवे पर ग्रीन कॉरिडोर पैकेज में 5 पर रविवार को प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदित गर्ग के कुशल नेतृत्व में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव समारोह मनाया गया। देशव्यापी पौधारोपण अभियान के तहत 10,000 पौधारोपण का लक्ष्य लेकर केसीसी बिल्डकॉन कंपनी के संयुक्त सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदित गर्ग ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर के नाम से बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे को हरा भरा रखने के उद्देश्य को लेकर पैकेज 5 पर पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि 3 पैकेजों पर 3,000 वृक्षारोपणों का पैकेज तैयार किया गया है। सभी पैकेजों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी मुस्तैद की गई है। कार्यक्रम में बताया कि एक्सप्रेसवे पर 29 पैकेज बनाए गए हैं जो कि प्रत्येक 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होंगे। इसके अलावा 50 किलोमीटर दूरी पर यात्रियों के लिए विश्राम गृह भी बनाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों की ओर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदित गर्ग के समक्ष पिनान इंटरचेंज पर पिनान का नाम सांकेतिक बोर्ड पर नहीं होने की बात रखी गई, जिस पर गर्ग ने पिनान टोल प्लाजा के नाम से बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। साथ ही इंटरचेंज पर बनाए गए यू टर्न घुमाव क्षेत्र पर हादसे होने की आशंका को लेकर फिलहाल घुमाव क्षेत्र पर ट्रायल की प्रक्रिया की जाएगी, जिसके बाद वाहन संचालन होंगे। ट्रायल के दौरान यदि हादसे की आशंका दिखाई देती है तो इस व्यवस्था में सुधार किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में मंच का संचालन सतीश उपाध्याय ने किया। इस मौके पर डिप्टी मैनेजर NHAI जयवर्धन सिंह, प्लांटेशन विशेषज्ञ नरेश दैया, प्रोजेक्ट मैनेजर KCCSK मिश्रा, दितेश कुमार, हिनेश कुमार, अरुण मिश्रा, आकाश सिंह, शैलेंद्र तिवारी आदि सभी लोग मौजूद रहे। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।